students, welcome to SOURAV cells classes. Now today I am going to discuss about that stability and structure of that free radical. So structure and stability ki wajah se kya hai aur uske sath main reactions ke bare mein bhi baat karungi. So starting it from now, so structure, free radicals ka structure प्लैनेट भी होता है और टेट्राहेड्रल भी होता है. अभी ये हो गया प्लैनेट, ये है टीजी टेट्राहेड्रल. तो इसमें डिफरेंस क्या क्या है, इसमें प्लैनेट में एक पी ब्रैकेट ऑर्बिटल रहता है और ये एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड है. तो एक sp2 हाइब्रिडाइज दो तीन स्ट्रक्चर्ड बॉन्ड बनाने के लिए चला गया और एक वैकेंट जो p रह गया उसमें ये फ्री रेडिकल है. और एक है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में क्या है, तीन चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक में एक फ्री रेडिकल रहता है. दोनों ही पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस एंड डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूएंट, बोथ आर पॉसिबल. तो नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल. स्टेबिलिटी किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, रेजोनेंस, नो इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड है हाइपर कॉन्जुगेशन and number 3 resonance. inductive effect matlab jitna alkyl group zyada hoga uska stability utna hoga. aur hyperconjugation kya hai, wahi resonance ki tarah hi hai, jisme hyperconjugating structure zyada hai us radical ka stability zyada hai. to hum log agar ye wale ye teen ye wala radical hum log dekhenge, तो इधर हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी कितना है, ये टर्शियरी ब्यूटेन, टर्शियरी ब्यूटेन में 9. लेकिन हम लोग अगर एक को एच से रिप्लेस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 6. और अभी अगर एक रह गया तो कितना होगा, जी. और अगर पूरा मिथाइल हो गया तो कुछ भी नहीं रहेगा. तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके हम लोगों का स्टेबिलिटी कैसे आता है, हाइपर इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों का स्टेबिलिटी ऐसे 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल. तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन बोथ दिस टू. और रेजोनेंस अभी क्या है, रेजोनेंस मतलब कोई भी रेडिकल, रेडिकल अगर डीलोकलाइजेशन मतलब ऐसा कोई मीडियम के साथ इसका कनेक्शन रहता है ये, या फिर इस टाइप का रेडिकल फॉर्मेशन में रेडिकल ये डबल बॉन्ड के साथ इन कॉन्जुगेशन रहता है, है कि नहीं. तो ये कॉन्जुगेशन में रहने के लिए इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है. तो रेजोनेंस जो पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, इसके लिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है रिगार्डिंग टू अनदर रेडिकल. तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी. तो अभी मैं रेडिकल के रिएक्शन के बारे में बात करने जा रही हूँ. रेडिकल्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन भी आता है. द फास्ट एंड कॉमन रिएक्शन ऑफ इज नॉट इज टाइप 1. ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है. तो नॉडिस टाइप 1 में क्या होता है, नॉडिस टाइप 1 में सपोज ये है हम लोगों का एक कार्बोनल, तो ये क्या करेगा, नॉडिस टाइप 1 मतलब अल्फा क्लीवेज, अल्फा मतलब ये अल्फा. तो अभी क्या हो गया, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया,
एक मिनट, तो ये वाला स्ट्रक्चर से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये वाला स्ट्रक्चर से पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, इसमें ये CO अगर चला जाएगा जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, मैं एक में लिख दिया तो लिखना नहीं चाहिए, ये वाला क्या होगा, CO चला जाएगा मतलब ये वाला ग्रुप ऐसे, और ये बॉन्ड फॉर्म कर देगा तो ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। अभी क्या हो सकता है, अभी ये वाला H ब्रेक करेगा तो क्या होगा, यहां पे और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये एक एच लेके पूरा हो जाएगा। ये है, ये सबको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो इसका और एक पॉसिबिलिटी है, और एक हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड, ये वाला एच ये भी ब्रेक कर सकता है, ये वाला एच अगर ब्रेक करेगा तो क्या होगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ये इसका दो डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप का प्रोबेबिलिटी है फॉर दिस नॉट इस टाइप बॉन्ड। ये एक नेव रिएक्शन है और फोटोकेमिस्ट्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट टाइप का रिएक्शन हम लोग निकल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डिकार्बोनाइजेशन, है कि नहीं, कार्बोनिक ये निकल जा रहा है, ये डिकार्बोनाइजेशन। इसी टाइप का और एक इधर और एक टाइप का रिएक्शन इधर में आता है कि सपोज इधर ऐसा एक ग्रुप है और CH2, इस टाइप का अगर कोई रेडिकल फॉर्म हुआ तो वो क्या करेगा, उसमें भी डिकार्बोनाइजेशन होगा, तो वो वाला ये देगा ये डॉट और उसके साथ CO, तो ये वाला स्ट्रक्चर अगर ये दे देगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक H डॉट निकल के RCH11CH2, इसी टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट इस टाइप टू, ये क्या है, गामा क्लीवेज, है कि नहीं, कंपाउंड लेते हैं डबल बॉन्ड हो, यहां पे ये है अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो ये गामा से इधर एच न्यू देने पे क्या होगा, ये गामा पोजीशन वाला ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा OH, उसमें डबल डॉट और उसके बाद ये क्या करेगा, ये वाला प्रोटॉन को पिकअप करेगा, मतलब इधर एक डॉट होगा, ये डॉट क्या कर सकता है, पहले वाले ये दोनों कंबाइन करके क्या कर सकता है, एक ऐसा टाइप का, ऐसा नहीं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दे सकता है ये वाला, और एक क्या कर सकता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक कर देगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने से
ये वाला स्ट्रक्चर OH, ये हो जाएगा और उसके साथ आ जाएगा ये। तो ये वाला स्ट्रक्चर अगर फॉर्म होगा ये क्या देगा, ये फिर से हम लोग